एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हो गई दिन की शुरुआत। आज दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा एडिट करने नहीं आता, एडिट करने वाला बंदा है नहीं तो, और थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी। आज मैं एकदम मस्त फील कर रहा हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो आज शुरुआत करते हैं। क्लास थी मेरी एक मॉर्निंग की, मैं ले चुका हूँ आज, और मैं आज से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब स्टार्ट में करके रखा हूँ, एडिट नहीं कर पा रहा था। आज मैं बेसिकली मैं खुद एडिट करना सीख गया हूँ दो दिन में, तो आज मैं एडिट कर लूँगा। और आप बताइएगा एडिट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बने रहिए, आगे मैं अपडेट करते रहूँगा। तो चलते हैं, अभी लंका जाना है मेरे को। बेसिकली आकाश आया है, वहाँ पर जूस वगैरह मस्ती करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तब तक बने रहिए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के केस में मोदी जी नहीं आएंगे ऑक्सीजन पहुँचाने। मुंबई से बिहार पैदल जाना पड़ेगा, मास्क लगाइए कि ऑक्सीजन सिलेंडर कोई नहीं आएगा देने आपको, ठीक है। आगे बी एच यू ट्रामा सेंटर, अबे बट एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है ट्रामा सेंटर में भर्ती होने। एक्चुअली सिद्धार्थ का दांत का प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी उसके दांत का इलाज करवाएं, इसलिए आए बी एच यू डेंटल वाले में हम लोग। ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये डेंटल है, बड़ा लिखा होगा ना, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस। ये डेंटल साइंस का बिल्डिंग है, इसी के अंदर हम लोग आए थे। तो दांत की प्रॉब्लम सिद्धार्थ की थोड़ा दिखवा लें डॉक्टर से, हो गए यहाँ पे काम। तो ये रहा सिद्धार्थ, टिन 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 टिन, ये रहा, ठीक है। तो इसका इलाज अब यहाँ पे कोई रहता है नहीं, इनका तो गार्जियन मैं ही हूँ ना भाई। यस सर, पूछना पड़ता है हूँ कि नहीं, कोई रहता है, सबका गार्जियन मैं ही हूँ, यहाँ पे आना पड़ता है। तो आ गए, यहाँ सारा काम हो गया, अच्छा है, ये कोई दिक्कत है नहीं, सब ऑपरेट करते हैं ढंग से, बात करते हैं डॉक्टर जितने भी हैं, जो जूनियर वाले मिलते हैं तो अच्छा। ये कई छोटी सी समस्या यहाँ पे ये है कि कोई भी सामान लेना होगा अगर आपको, तो नीचे नहीं मिलता। 50 रुपये का सामान लेगा तो ट्रामा पे लिख देते हैं, वहाँ पे लंका जाना पड़ता है लेने के लिए। अपने लिए क्या लिखा था? हाँ, वो पाउडर डेंटल स्टोन, हाँ डेंटल स्टोन लेने जाना था, 50 रुपये का मिला, लेकिन वो लंका मिलता है। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जिस दुकान से वो पर्ची आती है, डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं, वो बेसिकली सीनियर लोगों का काम होता है। जिस यहाँ से पर्ची आती है एक्चुअली वहाँ से इन लोगों के अंदर कमीशन आता है, जो MR वगैरह होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो वहाँ से कमीशन आता है। 50 रुपये की चीज़ होगी, 10 रुपये कमीशन आता है, अपने 10 रुपये जाने का पेट्रोल भी लगता है। पेट्रोल का प्राइस 105.32 रुपीज़ था सुबह मॉर्निंग में। तो बने रहिए आप चैनल के साथ, बाकी जो होगा अपडेट करते रहूँगा मैं। अगर इसके जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन की कमी नहीं है, नहीं है। इतना पतला मैं पतला आदमी हूँ, पाइन एप्पल से वजन कम होता है, ठीक है। ये पाइन एप्पल काट के दे दिया, खुद का वजन कम करना है और आपको दे रहा है पाइन एप्पल, मेरे को दे रहा है। वही है, करेंगे तो दोनों लोग, नहीं तो नहीं करेंगे। मीठा छोड़, ये वजन कम करने के लिए यूज होता है, अपना टेस्ट सारा मेरे पे आजमाता है, रेसिप्रोकल है दोनों। विंध्याचल जाने का, आगे विंध्याचल ये हो रही, सामने बारिश और बहुत हमाचम हो रही है। रेड अलर्ट भी वैसे भी 1 बजे के बाद बारिश होने का, ये दिखाता हूँ बारिश।
का दर्शन विंध्याचल गए थे हम लोग, अभी आ गए हैं, बीच में है देखे, वहाँ पे खाने के लिए रुके हुए हैं, सोच में पकौड़ी वगैरह खाते हैं क्योंकि हो गया शाम के 3:30। ये है अमित, काफ़ी बिजी रहता है ये, इसका बिजी का तो बात ही मत करो, देखो दिन में मोबाइल में लगा रहेगा। ठीक है, ये रहा आशीष, ये हम लोगों के सीनियर, आ गए खाते पीते हैं फिर चलते हैं, बनारस पहुंच जाएंगे 10 किलोमीटर पहले ही हैं, बाकी अपडेट करते रहूँगा। फाइनली आ गए वापस। एक समस्या है रोड पे इंडिया में, मतलब ना बहुत फुल कौन बकचोदी है साला, समझ ही नहीं आता। एक तो ऑटो था पहले, कम प्रॉब्लम थी, कि अब इस देश में एक नया सिस्टम आ गया, ई रिक्शा टोटो, ना इन सालों का कोई पीयूसी, अरे पीयूसी टोटो का तो होता ही नहीं है, ना इन लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट होता है, ना इनका RC होता है, ना DL होता है, ना कुछ होता है, सब खाली फालतू में ले के रिक्शा रोड पे निकल जाते हैं और दूसरों का मेजर एक्सीडेंट कराएंगे। सब 9:30 बज गए, अभी वीडियो को एडिट करना है, बेसिकली मैं एडिट करता नहीं हूँ, सिद्धार्थ ही एडिट करता है, तभी वो आ गया, अभी एडिट करेगा उसको, तब तक मैं बैठा रहूँगा। तो आज यही था, सुबह उठे गए क्लास लिए, फिर गए सिद्धार्थ को दिखवाना था, फिर वहाँ से मैयर चले, अरे वहाँ विंध्याचल चले गए, फिर वापस आए, फिर ऑटो वालों का प्रॉब्लम, सब मिला जुला के है कि आदमी परेशान है। इंडिया में अगर आपको रहना है तो मस्त मजबूरी आप झेलते बैठिए, कभी ऑटो वालों का टेंशन, तो कभी टोटो वालों का टेंशन, तो कभी मेडिकल का टेंशन, तो कभी पढ़ाई का टेंशन, मतलब यहाँ ज़िंदगी जीना है कि काटना है यही समझ में नहीं आता। मेरे दो दोस्त हैं जो कि दो साथ थे मेरे बेसिकली, जिसमें से दो दोस्त ऐसे हैं, एक जर्मनी शिफ्ट हो गया है और एक अभी 2 दिन पहले दुबई शिफ्ट हो गया है। ठीक है, नहीं मेरे को भी चांस मिलेगा तो मैं आराम से शिफ्ट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो फिर यही है, और ज़िंदगी अपने लिए जीना है, किसी दूसरे के लिए नहीं जीना है, क्योंकि अपनी है, मरवानी अपनी है, कोई टेंशन नहीं है। टिल दैट अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खासकर पेरेंट्स का ध्यान रखें। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज के बाद ब्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको कुछ अच्छा लगा होगा ब्लॉग में तो बता सकते हैं, कुछ बुरा लगा होगा तो भी बता सकते हैं। टिल दैट टेक केयर, और किसी टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाय बाय।